तो देख लेना, कच्चा अखरोट रहता है तो उसका सुराख धीरे धीरे भरता है। अब पूरी बॉडी के ऊपर, अखरोट को हम देखते हैं एक लाइन है, तोड़ना पड़ता है, ब्रेन के ऊपर भी लाइन है, तोड़ना पड़ता है। अखरोट के अंदर नजारा देखती है तो पूरा ब्रेन मरा। इंटरनेट पे जाके देखो कि तो अखरोट की शक्ल कैसी नजर आती है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही नजर आता जैसे कितने लोग रोज एक अखरोट खाते हैं। क्या कभी हमने दिमाग को काम करने में बंद किया? दिमाग तो रोज काम कर रहा है, लेकिन हम उसको ताकत रोज नहीं दे। क्लियर हो गई बात? यस। दिमाग से नीचे आकर दो आंखें बनी हुई है, आंख बंद करते ब्रॉन है, खोल देते सफेद है, और आंख की पुतली जहां से नजर आती है हमें, ये वाला काला पोर्शन तो सिर्फ एक डेकोरेशन है, हमारी आंख को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जहां से पानी का लेवल है वो सारा सफेद है। बहुत खूबसूरत फ्रूट पहले डिजाइन किया गया, बादाम बंद दिखाई देता तो ब्राउन है, खुलता तो क्या है? व्हाइट है। अपनी आंख को देखो, एक साइड नुकीली होगी, दूसरी साइड गोल होगी, बादाम कैसा है? एक साइड नुकीली है, दूसरी साइड गोल हो गई। मायने अगर हमारी आंखों को ताकत देना है तो क्या खाना पड़ेगा? नाक है, मुंह है ना, एक दो तीन सुराख है, तीनों में से किसी भी सुराख में मैं पाइप डालता हूं तो अंदर से क्या आएगा? पानी आएगा। यहां से डालू, यहां से डालू, यहां से डालू, जब पाइप अंदर जाएगी तो क्या आएगा? नेचर का लॉ देखो कितना प्यारा है। नारियल के भी तीन सुराख होते हैं, किसी में भी पाइप डालो अंदर से क्या आता है? पानी। जिन लोगों को नाक और मुंह की बीमारियां, उनको कोई दवाई नहीं खाना है, नारियल का पानी पीना, नारियल की गिरी खाना, बीमारियां ठीक हो जाती। लेकिन हम वो काम नहीं करते ना, उससे नीचे आ जाते हैं तो दो लंग्स पड़े हुए, फेफड़े सांस लेने का काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे शादियां होती है, अलग अलग पैटर्न्स हैं। शादी में एक मिठाई का टोकरा जाता है और एक फ्रूट का टोकरा जाता है, उसमें अनानास जाता है। आज तक मैंने अनानास खाते हुए किसी को नहीं देखा। अनानास पशु के, गाय के, भैंस के केयर में मिलता है, यही होता ना। बाकी फ्रूट खा लेंगे, अंगूर खाएंगे, चीकू खाएंगे, सेब खाएंगे, जो भी मिलेगा खाएंगे, लेकिन अनानास को नहीं। आपके लंग्स को ताकत देने के लिए अनानास ही चाहिए। अनानास को जब काट के डाइसेक्ट किया जाता है, उसके अंदर हूबहू सारी वो शक्ति है जो आपको टीबी जैसी बीमारी से होने को बचा देती है। लंग्स से नीचे आ जाते हैं, स्टमक पड़ा हुआ है, बहुत प्यारा ऑर्गन है, खाना सारा स्टोर करके रखता है, बीमार ना हो। सबसे सस्ता फ्रूट है स्टमक को ताकत वादा करने के लिए, सबसे सस्ता फ्रूट अमरूद मिल जाता ना। स्टमक के अंदर जितने सेल्स हैं, जितने टिश्यूज हैं, जितने स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज हैं, वो सारी अमरूद की तरह ही बनी होती है, वन बाय वन लेयर। आज हर आदमी, तीसरा आदमी क्या बोलता है, मुझे एसिडिटी हो गई है ना, बस एक अमरूद करा दो, एक इमीडिएट एसिडिटी करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे। बिल्कुल राइट साइड पे चले जाते, लिवर पड़ा है ना, लिवर सबका अपने आप में, लिवर पेट में होता है, सर में नहीं होता, मैं ऊपर से नीचे आने को। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल मेडिकल कॉन्सेप्ट में वाइफा लेने गया, एक लड़की को मैंने पूछा, हाउ मेनी लिवर्स इन योर बॉडी, देयर इज न्यूमरस लिवर्स। उसका जवाब क्या था? सर अनगिनत लिवर है मेरे शरीर में। राइट तो यहाँ पे सीखने वाले भी कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं जो ढंग से सीख जाते हैं। यार थोड़ा गर्मी है, ऐसे काट करा दो। मेरे दोस्तों लिवर बहुत खूबसूरत और शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। रंग क्या है? ब्राउन। पड़ा कहां? पेट के ऊपरी हिस्से में, फेफड़े के नीचे पर जाता, रिब्स ने ढक के रखा हुआ है। बहुत प्यारा फ्रूट मिल जाता है, सस्ता फ्रूट। तरबूज देखा कभी? जिस आदमी को लिवर की रिकवरी करना है, लिवर को ठीक करना है, उसको तरबूज देना शुरू कर दो। यहां तक हमने ब्रेंटन ने रिसर्च किया, आधा लिवर काट के फेंक दो, तरबूज खिलाते रहो, लिवर नया मान जाता है,
ट्रांसप्लांट तक की जरूरत नहीं पड़ती, तरबूज के अंदर इतना बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट है। लिवर के बिल्कुल पीछे जाते हैं गॉलब्लैडर पड़ा हुआ है, फिर तो समझते ना। रमजान का महीना आता है तो मोहम्मदन लोग रोजा रखते हैं, रोजे की इफ्तारी में वो कहते हैं कि हमें खजूर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, है ना। मेडिकल साइंस क्या कहती है कि जो पित्त है गॉलब्लैडर है वो खजूर की तरह ही दिखाई देता है, और रिसर्च क्या कहती है एक खजूर के अंदर 16,000 फाइटो न्यूट्रिएंट होता है, मायने जो आदमी रोज एक खजूर खाता है जब तक जिंदा उसको पित्त की बीमारी नहीं होती। उसके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पैनक्रियास पड़ा है जो इंसुलिन बनाता है। पैनक्रियास और ब्लैकबेरी जिसको जामुन बोलते हो, जामुन समझते हो ना जी जी। मेरे दोस्तों अगर किसी आदमी को डायबिटीज ठीक नहीं हो, शुगर नहीं ठीक हो रहा है, आपने सारे ट्रायल कर लिए, जायमन को सुखा के उसको पीस के देना शुरू कर दीजिए, 15 दिन के अंदर शुगर की बीमारी जड़ से ठीक होना चाहती है, इतना इफेक्टिव चीज है क्योंकि तो शेप है इसकी। सेंटर में देखते हैं दो किडनीज पड़ी हुई है, नेट पे सर्च करो तो किडनी की शक्ल कैसी है, राजमा की तरह, खाते हो कि नहीं, अगर थोड़े पैसे ज्यादा हो तो कैजू की तरह, काजू की तरह, दोनों की शक्ल बिल्कुल हूबहू कैसी है किडनी की तरह। अब लेडीज के अंदर ट्यूब पड़ी है जिसको फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं, आज औरतों में बहुत बड़े पैमाने पे बीमारी हो रही है, बांझ पन की बीमारी, बच्चा नहीं पैदा होता। अगर किसी औरत को ट्यूब ब्लॉक हो गई, अंडा नहीं बन पा रहा है, लौकी सबसे सस्ती सब्जी है ना, लौकी का बीज लीजिए, 20 दिन तक 100 ग्राम बीज का पानी बना के दीजिए, 21वें दिन अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो नया निकल के अंडा पैदा हो चुका होगा, ओवुलेशन हो रही होगी, आपको समझ में आ जाएगा इस औरत की ट्यूब ठीक होना। सिमिलरली आदमी को देखते हैं, थोड़ा सा मेडिकल साइंस आयुर्वेद पढ़ने के लिए हमें कभी कभी धर्म को पढ़ना पड़ता है। मैं बहुत स्टेज पे बोल चुका हूँ कि शिव को सिर्फ एक भगवान मत समझो, वो एक यूनिवर्सिटी है। शिव एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि सृष्टि का क्या हुआ और कैसे आया। शिव की पहली पत्नी का नाम सती, कोई बच्चा था नहीं था। दूसरी पत्नी पार्वती, शादी को 10,000 साल निकल गए, एक या दो साल नहीं। लैटिन शिव मुहा पर मैंने मलेशिया में पढ़ रहा था तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि क्यों नहीं, जो हमारे हिंदुस्तान की रिसर्च वहीं पे क्यों नहीं पढ़ाई जाती। दुनिया का सबसे पहला वैद्य कौन था, दुनिया का पहले वैद्य था भगवान विश्वकर्मा का तीसरा बेटा, उसका नाम था दिव्यज्ञा, जो दुनिया में सबसे पहला फिजिशियन हुआ है। ये चरक, धनवंतरी, पतंजलि, ये बहुत बाद में आया, लाखों साल बाद में आया। दुनिया में सबसे पहला वैद्य हकीम कौन हुआ है, दिव्यज्ञा। विश्वकर्मा के 5 लड़के थे, तीसरे लड़के का नाम था दिव्यज्ञा। जब शादी को बहुत टाइम निकल गया तो शिव को बोला, भगवान आप इस सृष्टि के रचनात्मक करता हो, आपको बच्चा पैदा होना चाहिए, मैं वैद्य हूं और मेरी वैद्यता के हिसाब से आपको रुद्राक्ष का पानी पीना चाहिए। थ्योरी को समझिए, रुद्राक्ष की शक्ल कैसे नजर आती है आदमी के अंडकोश की तरह। रुद्राक्ष को काट के देखा जाता है तो जैसे आदमी के 2 अंडदान है वैसे रुद्राक्ष के अंदर 2 अंडदान होते हैं। कच्चा रुद्राक्ष जब दबाया जाता तो वैसे ही पानी निकलता जैसे आदमी से सीमा निकलता। शिव की अर्ली लाइफ में कहीं पे भी रुद्राक्ष नहीं है। जब शिव को बच्चा पैदा करना था उस समय रुद्राक्ष क्योंकि रोज पानी पीना था तो उन्होंने उसको माला में बना के गले में डाल दिया। आज भी शिव भक्त रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। इसका मेडिकल एक रीजन है पहनने का, हर चीज के पीछे थ्योरी है, ऐसा नहीं हो जाता। ये फ्रेंड्स ऊपर से लेकर के रुद्राक्ष तक हम कौन सी डाइट रेगुलरली रोज खाते हैं? सारे आर्गन तो काम रोज कर रहे हैं ना, क्या किडनी काम करना बंद कर देती? नो, पॉसिबल नहीं है इस महंगाई के दौर में।
ये सब कुछ रोज रूटीन ही ऐसी है हमारी। जब ये रिसर्च हम लोग कर रहे थे तो दिमाग में एक चीज आती थी, क्यों ना कोई ऐसा चीज बना दिया जाए कि आदमी को थोड़ा सा पॉटर खिला दिया जाए, उसके अंदर सब कुछ ही मिल जाए, ना कोई खजूर खाए, ना कोई सेब खाए, ना कोई अमरूद खाए, थोड़ा पाउडर खाए, उसके अंदर सब कुछ मिल जाए। डेकेड्स अगो की रिसर्च को स्टडी किया कि कहां मिलता है, पता चला मां के पहले दूध में सब कुछ मिलता है। रिसर्च को आगे बढ़ाया कि हर कुदरत ने हर चीज डबल दी है, सिंगल नहीं दी, हर चीज डबल दी है। दूसरा क्या है, रिसर्च पे पता चला कि गाय के दूध के पहले 72 घंटे में वो हर चीज मिलती है जो इतने फ्रूट्स के अंदर है, उसी चीज को हमने ला करके आपको दे दिया। अगर मेरा कोई बच्चा, बच्ची, बहन, भाई, बुजुर्ग 2 कैप्सूल इमोरिच के रोज खाता है तो जितने मैंने फ्रूट गिन के बताया है उन सभी फ्रूट का असर एक ही जगह पे दे देता है। अब चॉइस आपका है कि कैप्सूल खाना है या बादाम खाना है। इजी क्या हो गया, खजूर ढूंढना नहीं, अनानास काटना नहीं, राइट, सस्ता काम हो गया ना। और आने वाली रिसर्च हमारी क्या है, जुड़े रहो हमारी धनवंतरी के साथ। आने वाले 5 साल बाद एक ऐसा मॉलिक्यूल हम ढूंढ के लेके आ रहे हैं, एक गोली दिन में खाओगे दूसरे दिन तक आपको भूख नहीं लगेगी और पूरे का पूरा दिन एनर्जी बनी रहेगी। ये खोज का भाई, जब हम देखते हैं स्पेस में आदमी गैस शटल में है, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, खाना उड़ता है, हवा में उड़ के खाना पड़ता है, तो दिमाग में आया कि वो काम जमीन पे करना चाहिए। इतने मोटे मोटे घूम रहे हैं, गोली खाएंगे मोटे नहीं होंगे, सेहत सही रहेगी। जो बहने बच्चिया सारा सारा दिन भूखी घूमती रहती, सुबह एक गोली खाई, पति से ज्यादा ताकतवर है, राइट, और उस गोली का असर क्या रहेगा, लिवर को तंदुरुस्त करके रखेगी, नीले काले पीले नहीं होंगे हम, राइट। आज हमारा चेहरा क्रीमों की वजह से चमकता है, जो आदमी बहुत खूबसूरत है उसको किसी बाथरूम में ले जाओ, उसका मुंह धोके देख लो, असर खूबसूरती बाहर आ जाए। आज बच्चिया सामने बैठी हंस रही है, किसी बच्ची को बोलूंगा बेटा 2 ग्लास दूध पिए तो उसको स्मेल आती दूध में, और उस बच्ची को जितना आईब्रो बनवाना पापा की जेब से 50,000 रुपए चोरी करके जाना पड़े, क्योंकि अपने आपको हमने इतना कमजोर कर लिया है फैशन के दौर में, इतना कमजोर कर दिया, कपड़ा बढ़िया चाहिए, शरीर पिंजर हो गया। आपका चेहरा चमकता हो, 50 रुपए वाला मीटर खादी भी पहना होगा तो लोग चेहरा देख के बोलेंगे क्या दूर है। विपरीत 5,000 मीटर वाला टैक्सीडो पहन के घूम रहे हो, चेहरे पे चमक नहीं है ना, छोड़ यार, नया नया अमीर बना दिखावा करता है। वर्ड सेम है, राइट, लोग ऐसा बोलते हैं, अपने को चेहरे को चमका के रखना है, अच्छी डाइट लेना है। मेरे दोस्तों ब्रेन से मैंने शुरू किया है, ब्रेन को ताकत कैसे दी जाए, वहां से समझते नीचे आई। कितने लोग चाहते कि हम अपने दिमाग को सेट रखें, कुछ लोग ना दूसरे को देख के हाथ खड़ा करते, इसने कर दिया, कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊं, भाई दिमाग तेरा भी चलाना है। चलिए ईमानदारी से बोलिएगा, कितने लोगों का दिमाग यहां पे है, इट्स नॉट पॉसिबल, झूठ की एक लिमिट होती है, झूठ की है। कुछ लोग सोच रहे कब लेक्चर खत्म होगा, मेरा मरीज देखा जाए, कुछ लोग सोच रहे खाने में क्या मिलेगा, कुछ लोग सोच रहे मेरी आईडी पे प्रोडक्ट नहीं चढ़े, दिमाग यहाँ नहीं घूम रहा है, कुछ लोग सोच रहे भैंस को चारा कौन डालेगा, दिमाग 2 घंटे दिमाग यहाँ रखिए, मैं किसी ना किसी के साथ जोड़ जाऊंगा। और दिमाग को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, आंखें खुली रखनी पड़ती है, विडंबना एयर कंडीशन चल रहा हो, साइलेंट हो, फिर आंखें बंद ना हो तो काहे का फायदा। लेकिन यहां मेरी थ्योरी विपरीत है थोड़ी सी,
माँ के पेट में 9 महीने बच्चा रहता आंखें बंद है, खोलता है तो बहुत अच्छी बात है, जब ऊपर चले जाता तो लोग बंद करते हैं। जिंदा आदमी की जिंदा टाइम पे आंखें बंद हो जाए तो 4 लोग उसको उठा के बाहर फेंक दे तो ये अच्छा है। अब आपको प्रूफ क्या करना है 2 घंटे में, आप जिंदा हो या दूसरा वर्ड मैं यूज करूंगा, आपका आज लड़ाई किसके साथ है, खुद के साथ है। जिस आदमी की इन 2 घंटों में आंखें बंद हो गई वो धरती पे बोझ है, आईने में जाके देखे कि मैं वो इंसान हूं जो काम के टाइम पे आंखें ब्रेन। सेब खाते हो बच्चों, सेब का बीज खाते हो, कितने लोग सेब का बीज खाते हैं आप खड़े करें, डर के रहा करो पेड़ बन जाएगा अंदर। हमारे बुजुर्ग कितने इंटेलिजेंट थे, पता नहीं कौन सी हवा में बोल दिया कि सेब का बीज खाने से पेट बन जाता है, पेड़ बन जाएगा, पौधे बन जाएंगे। कितने लोग आगरा जाके आए, आगरा में कौन सी 2 चीजें मशहूर है और गलत है, आगरा में 2 चीजें मशहूर है, आगरा का पेठा और आगरा का पागल खाना। हकीकत ये है इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा पागल खाना कहां पे, ये सच में ही जाके की मैंने, ये ठीक ठाक आदमी को बोलते हैं सेब का बीज का वो नहीं खाता है, पागलों को देखते हैं। जिस पागल को मैं सेब दूं वो 20 साथ में खाए, और 1 साल तक रिसर्च किया, एक भी पागल के पेट में पौधा नहीं बना। आज मैं सोचता हूं पागल वो है कि हम लोग हैं। हकीकत ये है सेब की सारी ताकत उसके स्टेम में होती है, बीज में होती है, और बीज ही हम उठा के फेंक देते हैं। कभी देखा किसी पक्षी ने को बीज फेंका, पहले पक्षी बीज खाता है फिर फूल उठाता है। इंसान ही एक महान आत्मा है जो पहले परमात्मा से मिलने की तैयारी करती है। बहुत से लोग मेरे पास आध्यात्मिक दीक्षा के लिए आते हैं, सर कृपा करो स्वर्ग मिल जाए। मैं हैरान होता हूं, स्वर्ग के लिए तो मरना पड़ेगा, तो इसको मरने की कितनी जल्दी है, सही होता भगवान मुझे स्वर्ग चाहिए उसके लिए। मेरे दोस्तों ब्रेन को ताकत चाहिए शुगर के माध्यम से, ग्लूकोज के माध्यम से। सुबह उठ के अगर आप अपने ब्रेन को केला सेब या कोई भी मीठा फल दे देते हो खाली पेट, तो सारा दिन ब्रेन के अंदर ग्लूकोज रहता है, ब्रेन का नाड़ी तंत्र आपके किसी भी ऑर्गन को कमजोरी होने नहीं देता है। क्लियर हो गई बात। अगर किसी को इस चीज का वहम है कि सेब केला और मीठा फल खाने से शुगर बढ़ जाता है, तो आई कैन बेट एंड चैलेंज इट कि जिस मरीज को शुगर अकॉर्डिंग होता है, आना मेरा बच्चा इधर, शाबाश। बेटा जी मैंने अभी 5 वर्ड कौन से यूज किए, खाली आपको वो बोलना है, फिक्र मत कर ले यार, मैंने भी जूता पहना को मेरे से अलग थोड़ी मेरे जैसे ही आ जाता। मैंने बेटा अभी 5 से 5 कौन से वर्ड यूज किए खाली वो बोलो, नहीं पता है। बस यही गलती है, जितने ये मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो दिमाग में पता क्या रखते, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिमाग में डालते कुछ नहीं। पिछले 22 साल का बेटा मेरा एक्सपीरियंस है, जो रिकॉर्डिंग करके लेके जाता वो सुनता नहीं है, ना ही वो सुनने के लिए टाइम होता है, क्योंकि माधुरी दीक्षित के गाने सुनेगा कि मुझको सुनेगा। हकीकत ये है ना, अपने गेस्ट आते हैं, चाहे सबसे पहले किसको देते हो, जो पहले आता है सबसे लास्ट वाले को, अंडरस्टूड है, हम पहले वाले को पानी पूछेंगे, पहले वाले को चाय पूछेंगे, और जो बॉडी का पहला ऑर्गन बाहर आया उसी को हम डाइट पहले